प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साई प्रणाम, चितवन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर, मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। डीएम की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत लेकर संबंधित कार्य के साथ हुई बैठक। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने संविधान दिवस पर राजपत्रित अधिकारियों व कर्मचारियों को दिलाई प्रस्तावना की शपथ। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की गई बैठक। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने साप्ताहिक परेड की सलामी, संबंधित रजिस्टर का किया अवलोकन। अपर जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में मतदाताओं को जागरूक करने व अधिक से अधिक मतदाताओं को जोड़ने को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ हुई बैठक। हैंडलूम एक्सपो का नगर महापौर ने शुभारंभ कर दूर दराज से आए हुए हथकरघा बुनकरों के उत्पादों का किया अवलोकन। संविधान दिवस पर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने पुलिस कर्मियों को दिलाई प्रस्तावना की शपथ। जनपद को जाम मुक्त बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक यातायात ने टेम्पो व बस एसोसिएशन के सदस्यों के साथ की बैठक। 26/11 में शहीदों को भारत नेपाल मैत्री समाज व वीर सेनानी कल्याण संस्थान के कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। संविधान दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय के आचार्य प्रतापदित्य राम त्रिपाठी स्मृति में व्याख्यान का हुआ आयोजन। मौसम ने बदली करवट, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छाई रही घनी धुंध। सेंट एंड्रयूज कॉलेज की स्थापना समारोह में वाद विवाद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। और जनपद के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी व जिला चिकित्सालय पर वैक्सीनेशन कैंप का हुआ आयोजन।